Hey everyone, welcome back to another video. Today I'm back with another Accenture job update video. और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी पांच अपॉर्चुनिटीज जो कि Accenture के अंदर निकली है पूरे भारत के अंदर. जॉब रोल्स क्या हैं, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप लोगों को फुलफिल करने होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे इन जॉब्स के लिए, सारी चीज़ों को मैं वीडियो में आगे कवर करने वाला हूँ. मैंने इस चैनल को बनाया है आप जैसे फ्रेशर्स की हेल्प करने के लिए ताकि आप लोगों को भी आपकी ड्रीम जॉब मिल सके. और इसीलिए इस चैनल पे मैं जॉब अपडेट, इंटरव्यू टिप्स, स्किल डेवलपमेंट और MS Excel रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस बनाता हूँ. तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो. तो जो हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो है आपकी एसोसिएट इनसाइड सेल्स. आपका जॉब डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है आपका इनसाइड सेल्स, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो होगा आपका एसोसिएट. जॉब लोकेशन आपकी रहेगी इस पोजीशन के लिए गुड़गांव. और जो क्वालिफिकेशन इनको चाहिए वो आपकी कोई सी भी ग्रेजुएशन होगी तो इनको चलेगा. आपको एक साल से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए. आप लोग यहाँ पे ड्रैग करके इस वेब पेज को देख सकते हैं, इन लोगों ने स्किल सेक्शन दे रखा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन दे रखा है. तो आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा इन रिक्वायरमेंट्स के ही बेसिस पे. जो आपका सेकंड रोल है जिसके लिए एक्सेंचर हायर कर रहा है वो है आपका एनालिस्ट फाइनेंस प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस. आपका जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है फाइनेंस प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस. आपका स्पेसिफिकली होगा फाइनेंस स्ट्रेटेजी. जो आपका डेजिग्नेशन है वो है आपका एनालिस्ट का. जॉब लोकेशन होगी आपकी पुणे. इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास CA CWA या फिर MBA में से कोई सी एक डिग्री होनी चाहिए. आपके पास मिनिमम 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आप लोग तभी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे. जो आपका थर्ड पोजीशन है जिसके लिए एक्सेंचर हायर कर रहा है वो है आपका एसोसिएट रिकॉर्ड टू रिपोर्ट. जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है आपका रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जर्नल एंट्री प्रोसेसिंग. आपका डेजिग्नेशन होगा एसोसिएट. जॉब लोकेशन होगी आपकी बैंगलोर. आपका क्वालिफिकेशन जो इनको चाहिए इस पोजीशन के लिए वो आपका किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा तो इनको चलेगा. ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनको चाहिए 1 साल से 3 साल का. और यहाँ पे भी आप लोगों को इन लोगों ने दे रखा है स्किल सेक्शन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना. जो आपका फोर्थ पोजीशन है जिसके लिए एक्सेंचर हायर कर रहा है वो है आपका एनालिस्ट रिकॉर्ड टू रिपोर्ट. आपका स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री प्रोसेसिंग होगा. आपका डेजिग्नेशन होगा एनालिस्ट. लोकेशन होगी मुंबई. एंड द क्वालिफिकेशन दैट दे नीड इज BCom, MCom या फिर आपका CWA. जो आपका एक्सपीरियंस ये लोग चाहते हैं इस रोल के लिए वो आपका मिनिमम 3 साल का और मैक्सिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. यहाँ पे भी इन लोगों ने आपको दे रखा है आपका स्किल सेक्शन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और समझ भी लेना. जो आपका लास्ट और फाइनल रोल है जिसके लिए एक्सेंचर हायर कर रहा है वो है आपका एसोसिएट टेलीकॉम ऑपरेशंस. आपका स्किल रिक्वायर्ड होगा टेलीकॉम ऑपरेशंस, टेलीकॉम एक्सपेंस मैनेजमेंट. आपका डेजिग्नेशन होगा एसोसिएट का. इस पोजीशन के लिए आपकी लोकेशन होने वाली है नोएडा. और क्वालिफिकेशन इस पोजीशन के लिए भी आपको किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की होगी तो इनको चलेगा. ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो इनको चाहिए वो आपका मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इन लोगों को चाहिए होगा. इस पोजीशन के लिए भी इन लोगों ने पूरा स्किल सेट दे रखा है, आपका अकाउंट्स पेबल प्रोसेसिंग, अकाउंट रिकंसिलेशन, एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर. तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी किस टाइप का रोल होगा और कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट होगी इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेक्शन दिया है तो इसको भी आप लोग रीड कर लेना. ये जो जॉब ओपनिंग्स है इन सभी का लिंक मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप लोगों के लिए जो भी रोल सबसे ज्यादा सूटेबल है आप लोग उस पर क्लिक करके अप्लाई कर लेना. अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को अप्लाई करना कैसे है. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आप लोगों को लिंक दे रखा है आप लोग उस पर क्लिक करके इन वेब पेजेस पे आ सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप लोगों को अप्लाई करना है एसोसिएट टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आके क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे. आपका कुछ ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा. अब आपको यहाँ क्या करना है, अगर आप लोगों ने एक्सेंचर के पोर्टल के साथ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है और अप्लाई कर लेना है. इन केस आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं एक्सेंचर के पोर्टल को तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रैक करके बॉटम पे आना है. यहाँ पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है. आपका कुछ ऐसा नया वेब पेज ओपन होगा. यहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल आईडी डालनी है, सेंड वेरिफिकेशन कोड करना है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है. बॉटम पे आना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी कंट्री डाल के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है. और एक बार जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप लोगों को जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है. अगर आप लोगों को अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है
तो आप लोग मेरे चैनल की इंटरव्यू Q&A प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।